गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज समांतर सीढ़ी जो कि क्लास 10 के लिए है और अध्याय 5 में आज प्रश्नावली 5.1 को लेके आए हैं, जिसमें से एग्जाम्पल क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में समांतर सीढ़ी पर बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो उदाहरण क्वेश्चन को सॉल्व करना है आज। उदाहरण 1 और उदाहरण 2, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 कॉमा डॉट 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 के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से हम इसका आंसर लिख देते हैं। उदाहरण 1 का, उदाहरण 1 के लिए है ये प्रश्न संख्या में दिया आपको कि 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/-2 कॉमा -3/2 कॉमा डॉट 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 दिया हुआ है। इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो देखने से ही प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद हुआ, तृतीय पद हुआ और ये क्या हो गया, चतुर्थ पद हो गया। A1, A2, A3, A4 के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो प्रथम पद लिख देते हैं, प्रथम पद ए है ना, होता है ना, तो ए बराबर आपको हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2, देखते ही लिख दिया गया 3/2। इसके बाद सार्व अंतर, तो सार्व अंतर डी होता है, तो डी बराबर निकाल लेना। डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, दूसरा वाला पद कितना, 1/2, तो 1/2 लिख दिया गया। अब माइनस ए वन कितना, 3/2, ठीक है। अब इसको यहाँ ऐसे करके लिख लेते हैं स्पेस की वजह से। इसका एलसीएम कितना हो गया, 2, तो क्या हो, 2 में एक, 2 से भाग लगाएंगे तो 1 से कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 1 से कटा, 1 में फिर 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ना। तो बराबर कितना आ गया, बराबर आपका आ गया ये ऊपर का हिस्सा है, तो यह कितना आ गया, --2/2 आ गया, जो कि निकल के आ जाएगा -1। तो सार्व अंतर आपका ये हो गया, सार्व अंतर ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से AP नहीं हैं, यदि इनमें कोई AP हैं तो उसके अगले दो पद लिखिए। अगर AP होगा तो अगला दो पद लिखना है, ठीक है, चेक करने। अब अगला AP है कि नहीं तो इसको क्या करेंगे, सार्व अंतर को चेक करेंगे, D का मान चेक करेंगे। अगर D का मान समान होगा तो AP होगा, और AP होगा तो आपको A और D मालूम हो जाए तो AP का कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसका, दूसरा का पहला यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दिया हुआ 4, 10, 16, 22, ... ये दिया हुआ है। ये क्या पहले AP है कि नहीं इसको चेक करने के लिए D का मान चेक करेंगे। तो D क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं D बराबर क्या होगा, A2 घटा A1, पर दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है ना, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं। दूसरा 10 है और घटा 4 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। फिर देखिए, फिर इसको भी चेक करते हैं, A3 में से घटा लीजिए A2, तो A3 कितना है, 16, 16 में से 10 को घटाएंगे तो भी आएगा 6, ठीक है। फिर देखिए D, A4 में से घटा लेंगे A3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 में से घटा लेंगे कितना, 16, 6 22 होता है तो 6 यहाँ भी आया। तो D का मान देखिए क्या, D का मान समान,
डी का मान क्या देखें, लिखेंगे चूंकि चूंकि डी का मान, डी का मान समान है, समान है, अतः अतः यह सूची क्या है, एपी में है, जिसमें जिसमें डी बराबर 6 है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? तो सबसे पहले पता चल गया कि ये एपी में है, और एपी में है तो क्योंकि सार्वअंतर डी समान है जो कि डी का मान 6 निकला है। तो हमको इसमें और पूछा जा रहा है कि इसके अगले दो पद लिखिए, अगर एपी में है तो अगला दो पद में मतलब क्या हो गया, एक एक दो तीन चार, चार गो पद तो दिया हुआ, तो अगला दो पद कितना होगा, अगले दो पद तो ए फाइव आएगा ना, ए फाइव तो कितना, 22 में, 22 में जोड़ लेना है आपको, 6 जोड़ेंगे सार्वअंतर को जोड़ के आगे, ये 22 चौथा पद में डी जोड़ेंगे तो क्या होगा, पांचवा पद हो जाएगा, तब 22 6 28 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट? फिर देखिए ए सिक्स निकालेंगे तो 28 में फिर क्या जोड़ेंगे, मैंने छठा पद, पांचवा पद में एक पद जोड़ेंगे तो छठा पद हो जाएगा ना, तो 6 जोड़ेंगे तो 28 34 हो जाएगा। तो अगला दो पद ये भी आपका आंसर हो गया, और क्या कहते हैं, सार्वअंतर है तो चेक किए, सार्वअंतर समान है तो ये एपी में है, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी का दूसरा दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या दिया हुआ देखते हैं, कितना दिया, दो में 1, -1, उसके बाद -3, -5, ठीक है, ...... ये दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे एपी है या नहीं, तो सार्वअंतर को चेक करेंगे, तो डी का मान चेक करते हैं, डी को देखते हैं, डी बराबर क्या होगा, a2 - a1, दूसरे में से पहले को घटाइए तो दूसरा वाला कितना माइनस, दूसरा वाला कितना है देखिए यहाँ पर, बराबर माइनस का एक, और घटा कितना, घटाना माइनस का एक, माइनस का एक घटा माइनस एक, माइनस एक दूसरा वाला हो गया, पहला वाला एक है तो घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, एक तो हुआ। फिर हम डी निकाल लेते हैं, डी को देखते हैं, A3 में से A2 को घटा के देखिए, तो A3 कितना होगा, माइनस का थ्री में से घटाना है कितना, माइनस का एक घटाना है, यही ना घटाना है, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपको -3, अब प्लस कितना, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर का आ गया कितना, -2, तो ये भी निकल गया -2, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर का भाग है, अब हम फिर डी निकाल लेते हैं, डी बराबर कितना, फिर ए फोर में से हम A3 को घटाते हैं, A4 हो गया A1, 2, 3, 4, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, -5 में से घटाना है कितना, -4, 3 वाला घटाना है, तो -2 घटेगा, -3 घटेगा, 3 है ये ना, -3, तो कितना आ गया, -5, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3, बराबर क्या, -5 और प्लस 3 तो फिर हो जाएगा -2। तो हर स्थिति में हम क्या देखें, डी का मान -2, -2, -2, तो जब सार्वअंतर अगर समान होता है तो क्या होता है, वो एपी का एपी सूची, जो एपी जो रहता है सूची दिया हुआ हुआ एपी में होता है। तो लिखेंगे क्या है, डी का मान लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है, अतः दी गई सूची
सूची एपी में है, जिसमें डी बराबर माइनस टू है। ये बात को लिख देंगे तो अगला दो पद लिखना है, तो अगले दो पद बस लिख देना। कितना पद दिया हुआ पहले देखो, 1, 2, 3, 4, तो पांचवा पद निकालना है आपको। तो पांचवा पद कितना, अब चौथा में जोड़ लेंगे, चार चौथा पद है -5 में जोड़ना है, कितना -2 जोड़ लेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 ऋणात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता, तो -7 निकल गया। अब फिर हम निकाल लेंगे a6, तो 5 तो निकला -7, फिर जोड़ेंगे कितना -2 जोड़ेंगे ना, तो बराबर कितना हो गया, फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो -9। तो अगला दो पद a5 निकला -7 और a6 निकला आपको -9। तो अगला दो पद भी मालूम हो गया और पता चला कि ये जो संख्याओं की ये सूची दिया हुआ है वह एपी में है, और जब एपी में है तो हम इसका अगला दो पद भी निकाल लिए। एपी में है कैसे जांचे, कि डी के मान को देखे तो डी का मान समान निकला, सार्वान्तर अगर समान होता तो एपी जो होता है, एपी दी गई संख्याओं की जो सूची होती है वह एपी में होगा। इस प्रकार से मैं इस वीडियो में 2 का भी 1, 2 सॉल्व किया, अगले वीडियो में 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।